वैसा गाइज आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अभी 4 घंटे पहले की ये न्यूज है कि जो मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट होने वाला था आज, ये बेसिकली तो वो जो है अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है COVID-19 की वजह से। वरना सब लोग जो है ये आशा लगाकर बैठे थे कि मिस यूनिवर्स का खिताब तो हम लोगों ने अभी जीत ही लिया, अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमारा मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने का था। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, खासकर एक तरीके से उन लोगों के लिए जो यहाँ पर निगाहें गड़ाए बैठे थे कि हाँ आज की डेट में हमारा एक नेक्स्ट जो टारगेट अभी होने वाला था मिस वर्ल्ड को लेकर, उसमें हमारे देश को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा था एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा, जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, इन दोनों के नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है, अगर इनके नाम मैंने आप लोगों को बताए तो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ जान ही नहीं रहे हैं आज की डेट में सोशल मीडिया पर किस तरीके से चीजें जो हैं वो चल रही हैं, यानी कि आप लोग बहुत दूर हैं सोशल मीडिया से, ठीक है। हालांकि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना, आप लोग नाम लिखिए इनका, देखता हूँ किस किस को नाम पता है दोनों का, फिर मैं कल आप लोगों को इनके नाम बताऊंगा। अभी फिलहाल जो मेरा पॉइंट रहने वाला है वो एक डिफरेंट पॉइंट रहेगा, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। कई सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड को लेकर, तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है, क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, हमारे देश में आज तक कितनी मिस यूनिवर्स बनी है और कितनी मिस वर्ल्ड बनी है, ये पता आप लोगों को? या कौन कौन सा देश जो है मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड जो है वो कंडक्ट कराता है, इसके बारे में पता है आप लोगों को? तो कई सारी ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर रहने चाहिए अगर न्यूज में चल रही है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल डाउट क्लियर नहीं रहना चाहिए। हमारे देश को रिप्रेजेंट किया गया अभी यहाँ पर रिसेंटली, तो उसी के चलते ये जो न्यूज आ रही थी ये लग रहा था कि अभी यहाँ पर मिस वर्ल्ड जो है वो हमारे देश से बनेगी, और ये काफी बड़ी एक बात यहाँ पर सामने निकल कर आती, पर लेकिन अभी पोस्टपोन कर दिया गया हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, तो वो भी जरूरी है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर 17 दिसंबर का हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, जिसके तहत आज की डेट में ये जो न्यूज़पेपर होता है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। पहले में हम लोग एडिटोरियल देखते हैं और दूसरे पार्ट में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली न्यूज एनालिसिस की। तो न्यूज एनालिसिस में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एडिटोरियल तो हम लोग शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल तो यार ऐसे है ना, आप लोग ये चक्षु खोल देंगे, बिल्कुल इस तरीके से डिटेल में डिस्कस करूंगा, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। इवन यहाँ पर करंट अफेयर नहीं होता है, ये स्टैटिक प्लस करंट आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पर कवर करता हूँ कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाए। और वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ वोकैबुलरी देखने को मिलती है, अगर आप लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, एसे राइटिंग या फिर एथिक्स के पेपर में भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है अगर ये राइटिंग आप लोगों की इंप्रूव होती है, तो उसके बारे में आप लोगों को डेली वोकैबुलरी देता हूं। तो 5 वोकैबुलरी मिलेंगी, अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन फॉर्म करने की, खासकर वो लोग जो रिसेंटली अभी चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी डेली नई नई वोकैबुलरी के शब्द आप लोग अपनी जो डिक्शनरी में ऐड किया करो, ताकि एक अच्छे लेवल की आप लोग आंसर राइटिंग करके चल सको। वैसे वीडियो के अंदर भी कई सारी वोकैबुलरी आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगी, ये तो बिल्कुल अलग है, इसके अलावा जो वीडियो के अंदर जो एडिटोरियल के अंदर है वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, तो अब डिस्कशन आगे करेंगे, पर इसी के साथ में यहाँ पर एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, जो कैप्टन वरुण सिंह है आप लोगों को पता है अभी वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो यार ये एक बहुत ही एक ऐसा मोमेंट होता है ना, आप लोग एक मिनट को इसको सोच कर देखो, किसी पर्टिकुलर जो बेसिकली ने बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है, और यहाँ पर बेसिकली बच्चे को एक तरीके से इनकी जो इनकी कैप दी जा रही है, और यहाँ पर एक तरीके की बच्चा जो है अब वो चीजों को आगे लेकर चलेगा, तो ये काफी एक बड़ी बात होती है अपने ही आप में इस टाइम पर अपने आप को संभाल कर रखना। लेकिन आप लोगों को पता है कि देश के अंदर ये काफी बड़ी घटना देखने को मिली, तो ये भी आज एक फ्रंट पेज पर एक न्यूज आप लोगों को देखने को मिली। न्यूज तो हम लोग पढ़ते हैं, चलो पढ़ लिया हम लोगों ने फिर भूल गए कुछ दिनों बाद, पर लेकिन जिस परिवार के साथ में ये दुर्घटना घटी है वो नहीं भूलने वाले इसको, ठीक है, वो ताउम्र इसको याद रखेंगे। तो एक ऐसा घाव यहां पर मिला है, पर लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, नेचर है, इसको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। तो ये है कुछ यहाँ पर बातें, तो श्रद्धांजलि है एक पूरी एसएलवी फैमिली की साइड से। अब मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को देता हूं, अगर आज तक आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स बनी है हमारे देश से या फिर मिस वर्ल्ड बनी है, तो यहां पर सबसे ज्यादा आज की डेट में कौन बनी है, वो बनी है मिस वर्ल्ड। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, मिस यूनिवर्स फिलहाल अभी 3 है। पहले सुष्मिता सेन बनी थी यहां पर हमारे देश में से 1994 में मिस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। फिर दूसरे नंबर पर लारा दत्ता बनी 2000 में, और अभी यहां पर 2021 में ये बनी है, इनका नाम मैंने आप लोगों से पूछा तो आप लोग इनका नाम बताइए। दूसरा यहां पर अगर मिस वर्ल्ड के बारे में बात करें तो मिस वर्ल्ड के कई सारे खिताब हमारे पास में है,
पर लेकिन सबसे पहला जो किताब आया था वो काफी पुराना है, वो 1966 यानी कि 1966 में देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर रीता फैरिया को यहाँ पर ये अवार्ड मिला था। फिर आगे चलकर 1994 में ऐश्वर्या राय, वो आप लोग सभी जानते हैं। इसी के साथ में फिर यहाँ पर जो डायना हेडने उनको मिला था 1997 में, युक्तिका जो युक्ता जो थी उनको मिला था 1999 में, प्रियंका चोपड़ा आप लोग सभी जानते हैं 2000 में, और इसी के साथ में जो लास्ट अभी 2017 में वो थी यहाँ पर मानुषी चिल्लर, और नेक्स्ट यहाँ पर जो कैंडिडेट हमारी साइड से थे तो वो थी ये। तो इनका नाम भी आप लोगों को बताना है, पता होना चाहिए, क्योंकि आगे भी इनके नाम जो है बार बार न्यूज में आते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दुनिया में सबसे पुराना अगर आज की डेट में कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। मिस जो यूनिवर्स है वो थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मिस वर्ल्ड के, वो थोड़ा सा नया है, यानी कि मिस वर्ल्ड जो है वो सबसे पुराना है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, तो जो मिस वर्ल्ड है वो क्रिएट किया गया था 1951 में, ठीक है, यानी कि मिस वर्ल्ड पुराना है, 1951 में क्रिएट किया गया था, और ये पूरा इसका दामोदर जो रहता है वो यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता है एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूके है उसके द्वारा डोमिनेट किया गया, हमारी कंट्री के ऊपर भी लगभग 2 साल तक यूके के द्वारा हमारी कंट्री के ऊपर डोमिनेट किया गया, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और यहां पर अगर बात करें तो ये है यूएसए से निकल कर आता है मिस यूनिवर्स। सुनने में आप लोगों को लग सकता है कि यार जो जीत के आएगा वो मिस यूनिवर्स बनेगा, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का कोई पर्टिकुलर पर्सन, और मिस वर्ल्ड यानी कि धरती पर जो भी लोग रहते हैं उनका ये बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग कॉन्टेस्ट है। जैसे आप लोगों को मैं बोलूं कि एक टेस्ट मैच हो गया, एक 2020 हो गया, एक वनडे हो गया, तो सारे अलग अलग है, उनका एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, वो इंडिविजुअल खेले जाते हैं, और जो उनमें जीत कर आता है उनको उसी तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। अगर यहां पर बात करें मिस यूनिवर्स में, जो बेसिकली अगर कंपेयर करें और मिस वर्ल्ड के साथ में, तो यहां पर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो जो डिफरेंस देखने को मिलेगा जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की है, उसकी दो वीडियो मैंने यहां पर आप लोगों के सामने शेयर भी कर रखी है। ये दो वीडियो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर जरूर देखिएगा। इन दोनों वीडियो में ये बताया गया, पहले में तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, उसके साथ में कैसे डील करना चाहिए एक वीडियो में, और एक वीडियो में ये बनाया गया कि डिप्रेशन के साथ में कैसे डील करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, तो ये इसके ऊपर मैंने हालांकि वीडियो भी बनाई थी अगर बात करूं YouTube के ऊपर, पर लेकिन मैं उसको पब्लिश नहीं कर पाया था, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टडी लवर फैमिली का जो चैनल है YouTube को उससे काफी प्यार है, जैसे आप लोग प्यार देते हैं ऐसे ही स्टडी लवर फैमिली को YouTube भी काफी प्यार देता है। YouTube की कोई गलती नहीं, हालांकि इस प्यार में बाहर साइड के कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस प्यार देने के लिए YouTube को मजबूर करते हैं। तो ये लगभग 3.38 जो बेसिकली मिनट की वीडियो थी, तो इसको ब्लॉक कर दिया, इसको पब्लिश ही नहीं करने दिया, ठीक है, जबकि बहुत सारे और चैनल पे ये सारी वीडियो खूब पब्लिश हो रही थी। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई यहां पर, उसमें जो कुछ चीजें थी मैंने काफी चेंज कर दी, फिर तो तब जाकर इसको पब्लिश करने दिया दूसरी वीडियो। ये हालांकि अब तक मैंने डिलीट नहीं किया, इसको भूल गया था मैं डिलीट करना, आज या कल मैं इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखेगी, ओनली उन लोगों को दिखे जिनको मैंने लिंक शेयर किया था। तो यहां पर 3-4 लोगों ने देखी थी, फिर मुझे लगा ये पब्लिश ही नहीं करेगा, तो फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई और वो पब्लिश की थी, ठीक है। तो इसी के बारे में थी यहां पर, तो इसलिए मैंने फिर क्या किया था इसको, फिर मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, आप लोग उनको जाकर देख लेना ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके अच्छे से, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटी सी बात थी तो यहां पर इसके बारे में। तो ये जो कॉन्टेस्ट होता है इसमें जो एक काफी प्यारी बात मुझे लगती है, जिसके बारे में आप लोग याद भी रखिएगा, आप लोगों से इस तरह की चीजें पता होनी चाहिए, जो मिस यूनिवर्स होता है उसमें ह्यूमैनिटेरियन कोज के लिए देखा जाता है, बेसिकली इंसानियत के लिए जब हम लोग बात करते हैं मिस यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स के इंसानियत के साथ बारे में बात करते हैं। पर लेकिन जो मिस वर्ल्ड होती है उसमें बोलते हैं ब्यूटी विद ए पर्पज, तो उसमें एक पर्पज के लिए ब्यूटी को देखा जाता है। आप लोगों को पता है अगर नॉर्मल भाषा में मैं बोलूं, देखिए जो बॉडी की खूबसूरती होती है ना वो लंबे समय तक नहीं टिकती है, आज है कल को नहीं रहेगी, आप लोगों को भी पता है ये सारी बातें। जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो चेहरे पर झुर्रियां आनी स्टार्ट होगी, बॉडी जो है वो एक अलग पैटर्न में चलनी स्टार्ट हो जाएगी, पर लेकिन जो अंदर की खूबसूरती है वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो ये चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की जाती है कि हाँ इस तरीके से जो खूबसूरती है उनको कैसे बरकरार रखना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो अभी एक छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, तो इसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया रख सकते हैं, ताकि आगे भी अगर ये न्यूज आएगी तो आप लोगों को पता रहेगा। और ऑल द बेस्ट बोलना है यहां पर एक तरीके से, जैसे कि आगे हम ही ये किताब जीत कर आए तो उसके लिए आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाएगा, क्योंकि अभी ये मिस यूनिवर्स जीत कर आए तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। अब एडिटोरियल देखेंगे काफी शानदार है, एक एक कर नजर डालेंगे तो डिटेल में बातें करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कुछ इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सुनकर बोलोगे कि क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें ऐसी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। अगर बात करेंगे यहां पर पहले एडिटोरियल के बारे में, तो अभी आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देखने को मिला था, बेसिकली लखीमपुर खीरी के अंदर, तो उसी केस के बारे में यहां पर बात की जा रही है।
आर्टिकल वैसे डायरेक्ट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर ये हुआ क्या था, यहाँ पर लखीमपुर खीरी के जो अंदर किसानों का जो प्रोटेस्ट था उसके ऊपर यहाँ पर गाड़ी चला दी गई थी आशीष मिश्रा के द्वारा। आशीष मिश्रा कौन है, ये अजय मिश्रा है और ये इनके बेटे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो नेता के बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, क्या उनका रवैया रहता है, तो वही कुछ रवैया इनका देखने को मिला। तो जब इस पूरे इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो यहां पर पता चला कि इनके द्वारा ये एक प्री प्लान्ड तरीके से हरकतें की गई, कि यहां पर पहले से सोचकर बैठे थे कि ऐसी हरकतें करेंगे और वो हरकत जो है इनके द्वारा अंजाम दी गई। उसी हरकत के बारे में जब आप लोगों ने आगे जाकर चीजें देखी तो यहां पर पुलिस जो है, आप लोगों को पता है जब संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो सातवां शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सातवां शेड्यूल में तीन लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट, यानी कि समवर्ती सूची। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट और कॉन्करेंट में दोनों लॉ बना सकते हैं। तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली बात होती है वो स्टेट पुलिस के अंडर आती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते रहते हैं भाई साहब हमको भी दे दो थोड़ी बहुत पावर, तो वो उनको पावर नहीं मिलती है तो वो दिक्कत में रहते हैं उसके चलते। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि जब पुलिस पर ये केस पुलिस के पास में पहुंचा तो पुलिस ने जब चार्जशीट जो दायर की, इनिशियल जो चार्ज लगाए वो ऐसे लगाए ताकि अजय मिश्रा साहब जो हैं इनको ज्यादा दिक्कत न देखने को मिले, आसानी से बचकर निकल जाए। मतलब क्या था, मतलब ये था सेक्शन 304 इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका सेक्शन 304A, ये क्या बात करता है, कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या, यानी कि मन नहीं था ऐसा कुछ करने का पर लेकिन गलती से हो गया। तो इसका मतलब ये कि एक ग्रेव एक कंडीशन नहीं बनेगी, इंसान जो है बचकर निकल जाएगा, यानी कि बहुत गलती से इससे हो गई ये बात, इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था। पर लेकिन जब SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो यहां पर टीम बनी उसने जब देखा तो बोला गया कि एक बकायदा पूरा इरादा बनाकर यह हरकत यहां पर की गई थी। पुलिस ने यहां पर लगाया सेक्शन 279, इसमें बोला गया कि नेग्लिजेंट ड्राइविंग, यानी कि एक तरीके से गलती से ड्राइविंग करते हुए यहां पर लोगों के ऊपर ये चढ़ गया तो ये गाड़ी चढ़ गई जिसकी वजह से किसानों की जान गई, तो यहां पर ये एक केस लगाया था इनके ऊपर। तीसरा केस था यहां पर सेक्शन 338 कि यहां पर एक तरीके से गंभीर चोट आई है तो उसके चलते यहां पर ये एक बनाया गया था कि हाँ चोट लगी है, चलो जिसको मतलब हत्या का नहीं लगाया कि हत्या कर दी गई है, चोट का बेसिकली इनके द्वारा यहां पर बनाया गया। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये इंसान जो है यहां से बचकर निकल जाता जरा सी देर में, जैसा पुलिस के हिसाब से यहां पर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का तरीका स्टार्ट किया गया था। रीजन क्या था, रीजन ये है क्योंकि आप लोगों को पता है स्टेट के अंदर यहां पर पुलिस पावर में होती है और स्टेट गवर्नमेंट का ही कोई अगर यहां पर पर्सन है इस तरीके से तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो चीजें यहां पर फिर ऐसी हरकतें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल ही जाती है। और ये ओनली उत्तर प्रदेश की नहीं बता रहा हूं, अगर यहां पर कल को कोई और भी पावर में होती गवर्नमेंट, अगर कांग्रेस भी होती है कोई भी होती तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नॉर्मली अपने कैंडिडेट को बताने बचाने की कोशिश करती है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी वाली बात चल रही है, तो सबका ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर का मिसयूज करती है, तमिलनाडु के अंदर भी आप लोगों ने देखा जहां पर जब यहां पर COVID-19 के चलते कई सारे लोगों की जान गई तो हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट पुलिस के फेवर में रहती है। क्यों, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आखिरी में होता क्या है कि स्टेट पुलिस जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से तो चलती है। तो वो बातें हैं, अभी जब यहां पर पूरा मुद्दा सामने आ गया तो अब कौन कौन से सेक्शन लगेंगे, तो अब सेक्शन लगेंगे 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि मर्डर करने की कोशिश की गई है, ऐसा नहीं कि गैर इरादतन हत्या अपने आप ही हो गई है, तो सेक्शन 307 लगेगा। सेक्शन 326 लगेगा यहां पर, तो ये क्या करता है, हर्ट कर रहा है एक तरीके से काफी डेंजरस वेपन से, यहां पर ये लगेगा एक तरीके से, इसको भी काउंट किया गया, यानी कि एक तरीके से कोजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन, यानी कि एक तरीके से जो हर्ट हुए वो एक खतरनाक वेपन से हर्ट किया गया, ठीक है। सेक्शन 34 जो है यहां पर, ये एक तरीके से अगर बात करें तो कॉमन इंटेंशन, कई सारे लोगों की जब कुछ हरकतें करनी है ना एक तरीके से मिलकर कई सारे लोग किसी को मार देते हैं तो वो वाला लगेगा यहां पर। और सेक्शन ये है 3/25, तो यहां पर आर्म्स एक्ट का भी यहां पर लगेगा, ठीक है, पर बंदूकें वगैरह वो सब चीजें, तो उसके चलते ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अब मुद्दा ये निकल कर आया इस आर्टिकल में, ये सारी बातें तो बताई गई हैं जो कि आप लोगों से कई बार अगर दूसरे एग्जाम्स की आप लोग तैयारी करें तो ऐसी चीजें पूछ ली जाती है। और अगर आप लोगों ने यूपीएससी का इस साल का प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर देखा होगा तो उन्होंने भी थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन पूछे, कुछ ऐसे भी पूछ लिए गए यहां पर जो कि इस तरीके से चीजें से बने हुए थे। तो यूपीएससी का नेचर कैसा है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को भी अपना इस तरीके से तैयारी करनी है कि कुछ भी पोर्शन अगर आए तो आप लोग उसमें बेसिकली उनके चक्कर में न फंसे, ठीक है। तो यूपीएससी आप लोगों के फंसाने की कोशिश करेगी, ऐसे क्वेश्चन ढूंढकर लाएगी, फिर बोलोगे कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को जो है वो निकाल कर ले जाओगे, ठीक है। अभी यहां पर मुद्दा यह है कि क्या यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है अजय मिश्रा साहब को लेनी चाहिए,
तो देखिए आज की डेट में इतने पॉलिटिक में एक्टिव जो है वो अजय मिश्रा साहब नहीं जितने उनके बेटे हैं अकॉर्डिंग टू राइटर। तो राइटर इसीलिए ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब सारी चीजों का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे पर जा रही है और एक तरीके से तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अजय मिश्रा साहब को लेनी चाहिए कि हाँ ये गलती हुई है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है और यहां पर अभी ये इसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा मुद्दा ऐसे बन गया। अगर इलेक्शन नहीं होते ना ही तो अपोजिशन इतना इंटरेस्ट लेती और ना ही जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम पे वो उसको इस तरीके से देखती तो मुद्दे को दबाने की भी कोशिश की जाती दोनों तरीके से। तो इलेक्शन आ रहे हैं वो तो उसकी वजह से यहां पर ये चीजें उठ रही हैं और इसी की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काउंट भी की जाती हैं। तो ये बेसिकली एक मुद्दा था जो मुझे आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करना था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में लिखे हुए देखे भी होंगे फिर आप लोगों को लगता है पता नहीं कहां से आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, आप लोगों से बात करूंगा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो आर्टिकल अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आर्टिकल है यहां पर, ये जो नीचे आर्टिकल आप लोगों को दे रखा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, काफी प्यारा आर्टिकल है इसको हम लोग ढंग से देखते हैं। पर उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि जो कई सारे कमीशन हमारे देश में बनाए गए खासकर इंपीचमेंट लेकर, गवर्नर का इंपीचमेंट करना है या नहीं करना है, तो उसमें कई सारे कमीशन थे तो कौन से कमीशन ने बोला कि हाँ गवर्नर का इंपीचमेंट कर दो, तो पुंची कमीशन, सरकारीय कमीशन, इसी के साथ में राजमनार कमीशन और यहां पर जस्टिस, ये थे यहां पर वेंकट चलैया कमीशन यानी कि वी चलैया कमीशन। तो किसने बोला यहां पर ये आप लोगों को बताना है। ये मैंने अभी आप लोगों को जो हमारी न्यूज जर्नलिस्ट वाली वीडियो आती है शाम को 8:30 बजे उसमें मैंने पूरा टॉपिक ये कवर किया था। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट इसके बारे में और भी बातें बताऊंगा जब वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो अच्छे से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है, काफी प्यारा आर्टिकल है, एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा जिसको सुनकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार कुछ नया सीखने को मिला है, ठीक है, क्योंकि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने बैठता हूँ यार बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो मेरे सामने नहीं आती रहती है और जब मुझे लगता है कि ये चीज काफी इंटरेस्टिंग सी है और आप लोगों को बताने में भी इसको मजा आएगा मुझे क्योंकि आप लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा तो उसमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस तरीके से हम लोग देखेंगे, यही तो सबसे ज्यादा मेहनत होती है एडिटोरियल में, एडिटोरियल में सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मतलब न्यूज़पेपर्स को सुबह थोड़ा सा जल्दी लेकर आ जाओ और 5 बजे लेकर आ जाओ। 5 बजे कैसे पॉसिबल हो पाएगा, एडिटोरियल में जब पीपीटी बनाता हूँ ना इसी में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, वरना न्यूज़पेपर पढ़ने में तो 1 घंटा लगता है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। पीपीटी जो बनाई जाती है एक एक चूज को चूज कर आप लोगों के सामने रखी जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है और वो इसीलिए लगाई जाती है ताकि आप लोग चीजों को समझ सको और फिर रिवीजन के लिए भी आप लोगों के पास में ये पीडीएफ रहे कि जब भी आप लोगों को पता चले अच्छा उस दिन क्या रिवीजन किया था तो 1 सेकंड में ये पीडीएफ उठाकर आप लोग चीजों को रिवाइज भी कर सको। तो ये पर्पज बेसिकली यहाँ पर रहता है, ठीक है, और मेहनत भी इसीलिए है और मेहनत वसूल भी होती है फिर आप लोगों को जब इसका फायदा होता है, सिलेक्शन होता है ना, आप लोग बताते हो सर सिलेक्शन हो गया तो हुई तो है फिर यहाँ पर रिजल्ट। बात करते हैं तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या दिक्कत अभी चल रही है और इंडिया के द्वारा यूएनएससी के अंदर जब यहाँ पर वोट डालने की बात की गई एजेंडे को लेकर तो इंडिया के द्वारा इसको अपोज क्यों किया गया, यानी कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा था यहाँ पर एक तरीके से और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है अभी फिलहाल उसको लेकर इंडिया ने इसको अपोज क्यों किया, आखिर इसके अंदर गलती क्या थी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो काफी इंपोर्टेंट है, पूरा आर्टिकल ढंग से सुनिएगा। तो ये जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपोर्टेंट हो जाएगा जब क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूएन के अंदर लेकर चलता हूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन आप लोगों ने सुना है उसी का एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है बेसिकली पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो मेन बॉडी मानी जाती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इन 15 मेंबर में से 5 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास में फुल पावर है। फुल पावर का मतलब इन 5 में से अगर एक ने भी बोल दिया, ये जो 5 पांडव है इनमें से एक ने भी ये बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा, और 5 में से एक ने भी बोल दिया, समझिएगा हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इनके पास में वीटो पावर है, ये 5 के पास में। ये वीटो पावर का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे और कहां से ये वीटो पावर निकल के आती है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मली आप लोग अगर वीटो पावर के बारे में आप लोगों से बात करूं तो आर्टिकल 27 जो है यहां पर यूनाइटेड नेशन चार्टर का उसके अंदर आप लोगों को वीटो पावर देखने को मिलेगी। हालांकि ये बात करता है कि ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है सेल हैव ए वीटो, ठीक है, तो यहां पर बात करता है तो ये मेंबर जो बोलता है इसका मतलब परमानेंट मेंबर के पास में बेसिकली आप लोगों को यहां पर वीटो पावर देखने को मिलेगी, पर लेकिन सेल हैव द वोट, वोट की पावर सबके हाथ में है तो वोट से ही यहां पर ये वीटो पावर निकल के आते हैं। तो वीटो पावर जो है वो ओरिजिनेट होती है आर्टिकल 27 से। तो ये मैं किसके बारे में बात करूं, हमारे संविधान का नहीं है ये, यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का जो संविधान है उसमें से ये निकाला गया है। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं हमारे संविधान का आर्टिकल 27 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, आप लोग बता पाएंगे, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर या फिर फ्रीडम, किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में जाकर सर्च कीजिएगा। तो आज की डेट में टोटल मिलाकर 15 मेंबर है, इन 15 मेंबर में चाइना,
एक है, इसी के साथ में जो यूएसए है, रसिया है, यूके है और फ्रांस है, ये है परमानेंट फाइव मेंबर जिनके पास में वीटो पावर है और ये किसी भी मुद्दे को अगर आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो एक सेकंड में रोक सकते हैं। अब यहां पर टोटल मिलाकर 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। नॉन परमानेंट मेंबर में ये सारे के सारे आप लोगों को याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो है अपनी प्यारी कंट्री, ठीक है। तो 2000 ये अभी हमारी कंट्री जो यहां पर चल रही है 2022 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर हम लोग यहां पर अभी यहां पर आए हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इससे पहले भी हम लोग कभी नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं। जी हाँ, 1950-1951 में, 1967-1968 में, इसी के साथ में यहां पर 1972-1973 में, 1977-1978 में, 1984-1985 में, 1991-1992 में और 2011-2012 में। तो यहां पर ये अब तक का अगर आप लोग देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 बार ऑलरेडी हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। तो क्या ये हमारा 8वीं बार है? जी हाँ, ये हमारा 8वीं बार है। 8वीं बार हम लोग यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर इसके बने हैं। और फिर से मैं आप लोगों को बोल दूं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर टोटल मिलाकर 15 मेंबर होते हैं, ना कि मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर रहा हूं। यूनाइटेड नेशन में टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर मेंबर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यूएन का जो चार्टर है वो 26 जून 1945 में आया था और इसीलिए यहां पर आप लोगों को पता है 24 अक्टूबर जो है वो यूएन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है यहां पर इसका चार्टर इनफोर्स किया गया था। समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। हमारी कंट्री में जो संविधान है वो आप लोगों को पता है, संविधान डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं पता है ना? तो अरे ये भी नहीं पता होगा तो फिर देखना गलत बात हो जाएगी भाई साहब, इसका मतलब तो लेक्चर को भी बंद कर देना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये चीज ना याद रखो, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा जाएगी। कोई क्वेश्चन आएगा उसमें स्टेटमेंट होगी और यार क्वेश्चन को साइड में फेंको, उठा के अपना संविधान इंप्लीमेंट किया जा रहा है भाई साहब उसके बारे में तो पता होना चाहिए कम से कम। तो 26 नवंबर याद रखेगा और जो हमारा प्रीएम्बल है उसके ऊपर भी वो डेट लिखी हुई है, 26 नवंबर याद रखेगा, 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये है यहां पर हमारे संविधान को इंप्लीमेंट करने की डेट, जबकि कुछ पोर्शन इंप्लीमेंट किया गया था, बाकी का इंप्लीमेंट किया गया था फिर 26 जनवरी 1950 पर। लेकिन डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग संविधान दिवस, वो है 26 नवंबर 1950, ठीक है। तो ये याद रखेगा, इसी तरीके से इसको इन्फोर्स किया गया 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर को ही हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोग याद रखेगा। अब इसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर बेसिकली एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, बॉडी बनाने वाला। यहां पर क्या क्या जो मुद्दे हैं, काफी ऐसे नहीं कैबिनेट होता है वो डिसीजन लेने के काम करता है, तो एक तरीके से आप लोग इसको कैबिनेट बोल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंदर, वैसे तो दुनिया भर के मेंबर गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर लेकिन सारे डिसीजन नॉर्मली कैबिनेट के हाथ से लिए जाते हैं, तो वो इस तरीके से बोल सकते हैं। इस कैबिनेट में टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसा मैंने बताया 10 नॉन परमानेंट और इसमें इंडिया भी है और बाकी के परमानेंट आप लोग यहां पर नजर आएंगे। अब ये अलग अलग एरिया से निकल कर आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से निकल कर आते हैं। यानी कि अगर नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में पूछें तो 2 साल का इनका टर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3 मेंबर, मतलब क्या समझिएगा, यहां पर जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो यहां से 3 मेंबर निकल कर आएंगे, ऐसे यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में एशिया से 2 मेंबर, लैटिन अमेरिका से 2 मेंबर, वेस्टर्न यूरोप से और अदर जो 2 मेंबर और ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर, ठीक है। तो यहां पर ये देखने को मिलता है। अगर बात करें, अगर आप लोगों को ये पूछूं मैं आप लोगों से ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से आते हैं, तो देखिएगा एक मिनट आप लोग अच्छे समझ पाएंगे, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएसए। तो यहां पर चाइना हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को फ्रांस देखने को मिलेगा, यहां पर ये यूके हो गया और ये यूएसए हो गया। तो यानी कि जो परमानेंट मेंबर है जिनके पास में वीटो है, तो ये जो वीटो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये इनके पास में है, ठीक है, ऐसे वी बन गई आप लोगों की वीटो की, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूजन रहे तो कभी, ओके, तो ये वीटो बन गया, सीधा कर लेना इसको। तो ये जो वीटो यहां पर है इन 5 मेंबर के हाथ में, अब ये माना जाता है कि ये 5 मेंबर जो चाहेंगे दुनिया में वही होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि भाई साहब अगर बात करें तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक भी मेंबर नहीं है यहां पर परमानेंट मेंबर, तो इसके लिए काफी बड़ा मुद्दा आता है निकल के। पूरे साउथ अमेरिका से कोई मेंबर नहीं है यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो पावर के अंदर, तो ये भी मुद्दा रहता है। उसी के साथ में जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट अगर बात करें पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसका कोई मेंबर नहीं है, तो यूएन जो है वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ऐसे कई सारे आरोप यूएन के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये कई बार आप लोग इसके बारे में समझिएगा, तो ऐसे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा टॉपिक मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे इसको लेकर। अब जो आगे मैं बढ़ने वाला हूं उसमें काफी इंपॉर्टेंट कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक तरीके से यहां पर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल बॉडी होती है यूएन के अंदर, जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखती है। अब ये जो टर्म मैंने बोली है ना, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, अब पूरा जो आर्टिकल जो डिस्कस करूंगा वो इसी सेंटेंस के ऊपर घूमेगा, ठीक है, वो कैसे अभी बताऊंगा। ओनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गन जो है उसको पास में पावर है मेकिंग द डिसीजन
जो कि मेंबर स्टेट जो होते हैं जो उसको बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि एक तरीके से जो भी यहां पर बातें आती है फिर इंप्लीमेंट करते हैं। ऑर्गन जो शब्द इसके द्वारा बोला गया, तो टोटल यहां पर आप लोगों को इसके 6 ऑर्गन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यूएन ट्रस्ट काउंसिल है, यूएन जनरल असेंबली है, यूएन सेक्रेटरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में अभी आप लोगों से आर्टिकल ही डिस्कस कर रहा हूं, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, और इसी के साथ में यूएन ट्रस्टशिप काउंसिल है जो कि करेंटली इनएक्टिव भी है। तो ये 5 ये 6 ऑर्गन है ये यूएन के जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, और ये ऐसी चीजें जो कि कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है, 4 के नाम दे देंगे और बोलेंगे कौन सा नहीं है ये आप लोग बताइए, तो ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना चाहिए। आगे जो इंपोर्टेंट मुद्दा निकल कर आ रहा है, अब समझते हैं कि मुद्दा क्या है और क्या ये इशू बना है, क्योंकि पूरा बेसिक मैंने बता दिया, अब आप लोग के माइंड में चीजें जाएंगी तो आप लोग का माइंड जो है इनके दिमाग जो है ये नहीं कहेगा क्या आ गया यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग कहेंगे अभी तो बताया अब तो समझ में आ जाना चाहिए, तो वही बात है आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब जो बेसिक मैंने बना दिया आप लोग का, यानी कि स्टैटिक पोर्शन मैंने कवर कर दिया है, अब आप लोगों का करंट पोर्शन आप लोगों के सामने, इसलिए बोलता हूं स्टैटिक और करंट दोनों कवर हो जाते हैं। अगर बात करता हूं यहां पर आयरलैंड और जो नाइजर है, दो ऐसी कंट्री है जिनके द्वारा ये बोला गया कि जो मुद्दा आज की डेट में क्लाइमेट चेंज का देखा जाता है, वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है वो आज की डेट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा देखना चाहिए, जिसके अंदर 15 मेंबर आते हैं। तो ये बातें बोली गई आयरलैंड और नाइजर के द्वारा। तो आयरलैंड और नाइजर के द्वारा जो मुद्दा रखा गया, इस मुद्दे के अपोजिट में इंडिया ने वोट डाला और रशिया ने इसको वीटो कर दिया, यानी कि रशिया ने जब वीटो कर दिया तो ये मुद्दा वहीं खत्म हो गया, और रशिया ने बेसिकली रशिया और इंडिया ने मिलकर काम किया ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इंडिया ने बोला कि रशिया तू ही तो मेरा दोस्त है, हमेशा मेरे साथ देता है मेरे दोस्त तेरे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो रशिया के वीटो करते ही ये मुद्दा यहीं पर ही कैंसिल हो गया। चाइना घर बैठा हुआ है, चाइना कह रहा है जो करना है कर लो मैं नहीं आऊंगा, यानी कि अब्सटेन कर गया। अब्सटेन का मतलब क्या होता है, हम लोग गए नहीं भाई साहब वहां पर पार्टी करने, हम लोगों ने वहां पर जाकर कुछ किया ही नहीं, यानी कि शादी में बुलाया ये भाई साहब शादी में गए नहीं, एक है कि शादी में गए पर बोला मेरा पेट खराब है यार मैं कुछ खाऊंगा नहीं पर आ गया हूं मैं, ठीक है। एक है कि शादी में गया ही नहीं है, ये कह रहा है कि मुझे आने नहीं है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मैंने बोला था ना वो लाइन याद रखना, उसमें बोला था कि मेंटेनेंस का काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि दुनियादारी के लेवल पर सिक्योरिटी और पीस। तो ये दो मुद्दे आप लोगों को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर देखने को मिलेंगे कि ये मुद्दे इनको फोकस करने, एक तो शांति बनाकर रखना है और एक सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का काम करना है। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जो है वो इसके हिस्से में नहीं आता है, जो 15 मेंबर हैं ये इसके हिस्से में नहीं आता है। तो आप लोग ये मुद्दा इसके अंदर कैसे उठा सकते हैं, इंडिया ने पहली बात तो ये बोली तो हम लोग इसको अपोज करते हैं, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यहां पर जो है सपोर्टर जो है वो क्यों बोलते हैं कि हाँ इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लाना चाहिए, वो ये बोलते हैं क्योंकि यहां पर आज के डेट में क्लाइमेट चेंज जो है वो सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि लोगों को बहुत ज्यादा माइग्रेट होना पड़ रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, बर्फ पिघलने के बाद में ओशियन इनके समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा है और लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, तो लोगों की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। तो इसलिए सिक्योरिटी का मुद्दा जो है वो यहां पर पीस के अंदर, इसके सिक्योरिटी के अंदर, इस सिक्योरिटी वाले पॉइंट के अंदर आप लोगों को इसको मानना चाहिए, इसलिए यूएनएससी के अंदर इस मुद्दे को आप लोगों को लेकर आना चाहिए। और नाइजर यहां पर हरकतें करने में कैपेबल क्यों रहा, क्योंकि फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे दिसंबर के लिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो नाइजर के पास में यहां पर, ठीक है। तो यहां पर नाइजर के पास में यहां पर जो है ऑन 9th दिसंबर को जब यहां पर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म और यहां पर क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर इन्होंने इसको क्लाइमेट चेंज को ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहां पर जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा इनके द्वारा ऐड किया गया, ऐसी हरकतें ये पहला नहीं है देश करने वाला, इससे पहले जर्मनी के द्वारा भी ऐसी हरकतें की गई है, मैंने तन्नुवेट मनु में ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। बड़ा शर्मा रहे तन्नु मनु शर्मा, ऐसा पहले भी हुआ है याद आ रहा है डायलॉग, तो वही वाली बात है, तो ऐसा पहले हुआ है। तो जर्मनी के द्वारा यहां पर हरकतें की गई थी, पर लेकिन उस टाइम पर ये चीजें जो है वो सामने निकल कर आई ही नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अपोज कर दिया, क्योंकि ट्रंप भी हमारा दोस्त है, वो भी कहता है कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए ट्रंप तो ये कहता है कि होना ही नहीं चाहिए यार, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, फालतू की चीजों में पड़े हुए, कुछ ढंग के काम कर लो, कोयला वोयला जलाओ, एंजॉय करो। आगे चलते हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर बहुत सीरियस है यहां पर क्लाइमेट मुद्दे को लेकर, यानी कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो काफी यहां पर इसको लेकर फोकस में रहते हैं कि भाई साहब इसको रोकना है। तो उन्होंने क्लाइमेट सिक्योरिटी जैसी मुद्दे को ध्यान में रखा कि क्लाइमेट भी सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, तो इसके चलते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये होना चाहिए, तो इनके द्वारा ये बातें बोली गई ताकि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। वैसे देखा जाए तो ये अच्छी बात है यार, हाँ यार कोई ऐसा डिसीजन होना चाहिए ताकि ना हम लोग ना क्लाइमेट चेंज को ना रोक सके। तो ये बात आप लोगों के माइंड में ऐसा लग रहा होगा बड़ी सही बात है, मुझे भी ऐसे लग रहा था पढ़ते हुए, बस सही बात तो है यार, कम से कम कुछ ठोस मुद्दे तो होंगे, बात तो करेंगे लोग, वरना बात ही नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन अब समझिएगा, अब आप लोगों का परसेप्शन चेंज होगा जैसे मेरा चेंज हो गया था पढ़ते पढ़ते तो यहां पर बात करते हैं
तो टेकल किया जाएगा क्लाइमेट चेंज को, तो अप्रिशिएट करने लायक मुद्दा है कि हाँ सिक्योरिटी के अंदर लाएंगे, अच्छी बात है यार यहाँ पर, क्योंकि आज के डेट में क्लाइमेट चेंज है वो ऐसे ऐसे इंपैक्ट डाल रहा है कि जिसकी वजह से कहानी खराब हो जा रही है दुनिया की, क्योंकि एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी बर्फ पिघल रहा है, सारी नदियां सूख रही है, वो सब मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं साइक्लोन देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे मुद्दे हैं, तो सिक्योरिटी को तो थ्रेट है भाई साहब, होना चाहिए यहाँ पर। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप लोग इसको लेकर आते हो तो सारी पावर जो है वो उन देश के हाथ में चली जाएगी जो कि पांच देश सबके सर पर बैठे हुए हैं वीटो पावर के साथ में, और वो जिस मुद्दे को चाहेंगे उसको पास करेंगे और जिस मुद्दे को चाहेंगे उसको पास नहीं करेंगे। यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा हमने ला दिया तो भाई साहब हमारे सर पर ये पांच देश नाचेंगे और इन पांच देश को आप लोग कुछ नहीं बोल पाओगे, और ये पांच देश तो नाचेंगे नाचेंगे, पांच देश में से अलग अलग देश अपनी पावर दिखाएंगे कि हाँ मेरे पास में वीटो पावर है, मैं ये चाहता हूं ये होना चाहिए, और दूसरा बोलेगा ये नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे जो नॉन परमानेंट वाले हैं हम किसी न किसी का हाथ पकड़ के बैठ जाएंगे, जैसे इंडिया रशिया का हाथ पकड़ के बैठ गया, भाई यार रशिया ये ना मुद्दा हमारे खिलाफ में जाएगा, इसको वीटो कर दियो। रशिया कहेगा ठीक है कर तो दूंगा वीटो, पहले हमारा S-500 सिस्टम खरीद लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर डील होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही चाइना बोलता है, बेसिकली किसी के साथ में बात करेगा, यूएसए भी ऐसे ही रहता है, यानी कि एक तरीके से फिर वो क्या करते हैं पर्सनल गेन के लिए इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफी गलत भी यहां पर माना जाता है। तो ये सारे मुद्दे इसलिए, तो यहां पर ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया और ये जरूरी भी था, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज के जितने भी सारे मुद्दे होते हैं वो यूएन फ्रेमवर्क जो है कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसके अंदर ही होते हैं। तो इसके अंदर 190 देश हैं, तो 190 देश डिसाइड कर रहे हैं किसी मैटर को वो इंपॉर्टेंट है, या फिर एक तरीके से पांच देश मिलकर डिसाइड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग खुद समझ जाइए। तो पांचों के हाथ में पावर रहेगी वो डिसाइड करेंगे, या फिर 190, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक पांच देशों पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, और वो पांच देश तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने क्लाइमेट चेंज बेसिकली लाए है, बर्बादी उन्हीं के द्वारा फैलाई गई है, तो कुछ भी ऐसा नहीं चाहेंगे जो उनके खिलाफ में काम होगा, वो हमेशा वो चाहेंगे जो एक तरीके से उनके सपोर्ट में काम हो। और ये दिक्कत किसको हो रही है, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, छोटे छोटे देश है, उनको दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो इसलिए मुद्दा है यहां पर। तो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए 190 का ग्रुप जरूरी है, और इसीलिए यहां पर पहले क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आया था जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 था, और अभी फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 भी आया है यहां पर, जो कहां पर हुआ, ये ग्लासगो यूके के अंदर हुआ। इसको बेसिकली इसके प्रेसिडेंट कौन थे ये आप लोगों को बताना है, बताया था मैंने, नाम इंडियन है पर लेकिन जैसे अंग्रेज बोला करते थे कि खून और चमड़ी जो है वो भारतीय दिखनी चाहिए पर अंदर से अंग्रेज होना चाहिए, ठीक है, तो वही बातें हैं यहां पर। तो नाम तो इंडियन है पर लेकिन वो है लेकिन यूके का आदमी, ठीक है, तो नाम बताइए क्या उस इंसान का। अब यहां पर ये वैलिड क्रिटिसिज्म है कि भाई साहब अगर कल को चलकर एक तरीके से जो यूएनएफएससीसी है यहां पर आप लोग बोलते तो हो कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा इसी के अंदर रहना चाहिए, पर यार ये बड़ा ही स्लो आदमी है, कुछ काम ही नहीं करता है, रो रो कर काम करता है, इतने दिनों से कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कब क्योटो प्रोटोकॉल आई थी, अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल किस ईयर में आई थी आप लोगों को पता है, क्वेश्चन पूछा गया था इससे और मैंने डिस्कस भी किया था, कल फिर आंसर बताऊंगा तो बता दूंगा, एक बार इसको देखेगा, जो होमवर्क देता हूं ना यार उसको जरूर देखा करो, इससे आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोलेगी, तो इसी के चलते जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आया वो ये है आज की डेट में अगर बात करें कि यूएनएफसीसी के अंदर यहां पर ये मुद्दा है पर लेकिन वो इस पर काम ही नहीं कर रहा है, रो रो कर चल रहा है, तो ये तो ऐसे चलता रहेगा, तो पता कल को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो क्या करोगे, तो सोल्यूशन जो होना चाहिए वो जरूरी है यहां पर, जो कि आप लोगों को देखकर चलना चाहिए। तो सॉल्यूशन जो होना चाहिए, बट सॉल्यूशन इज नॉट आउट, एक तरीके से आउटसोर्सिंग डिसीजन, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लोग कोई काम कर ही नहीं रहे हो, आप लोग से कोई काम ढंग से लेकर नहीं चल रहे हो तो उसको किसी और को पकड़ा दो उठाकर, तुम्हारे घर का मुद्दा है तुम खुद सुलझाओ ना, और वो भी उसको पकड़ा दो जिसमें पांच मेंबर ओनली डिसीजन लेंगे, तो ये सही नहीं था। तो यूएनएफसीसी से निकालकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देना ये मुद्दे की बात गलत है बेसिकली। हाँ ये अलग बात है कि आराम से काम कर रहे हैं, पर लेकिन ये भी सही नहीं है कि पांच लोगों के हाथ में पूरा काम थमा देना, ठीक है, तो ये भी गलत है यहां पर। तो इसलिए यहां पर क्लाइमेट चेंज जो है उसको सिक्योरिटी के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं वो गलत है अकेला, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री के लिए वो सिक्योरिटी हो सकती है, दूसरी कंट्री के लिए कुछ और मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग देश पर क्लाइमेट चेंज अलग अलग इंपैक्ट डाल रहा है, और आज के डेट में इनकी इकोनॉमी को चेंज भी कर रहे हैं, एक ग्रीनर इकोनॉमी के तौर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कि एक तरीके से इकोनॉमी कैसे इस तरीके से लेकर चले कि देश की अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमी भी बढ़ती रहे और क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भी सही रहे, यानी कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट साथ में लेकर चल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट जो है होना चाहिए वो डेवलपमेंट के साथ में चलेगा तो चीजें अच्छे से आगे बढ़ेंगी। इंडिया जो है वो अगर बात करें, इंडिया जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया के इसके अंदर यहां पर यह यूएन के अंदर यह टीएस त्रिमूर्ति, ठीक है, तो जो फोटो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी खींच मेरी फोटो, ठीक है, तो ये फोटो है इनकी दुकान, ठीक है, तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो टीएस त्रिमूर्ति है यहां पर, ये इनसे पहले कौन थे, ठीक है, पता है आप लोगों को,
चलिए सर्च कीजिएगा, बहुत बार मैंने आप लोगों से बोला है जब भी आर्टिकल डिस्कस करता था यूएन का, तो ऑल बिग पोल्यूटर जो है उनके हाथ में पावर आ जाएगी और वही पोल्यूटर फैला रहे हैं उन्हीं के हाथ में आप लोगों ने पावर दे दी, तो क्लाइमेट के खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होगा एक तरीके से लेना। तो डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री जो है वो यहां पर चीजों को लेकर चले, प्रॉमिस करें कि फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बेसिकली इनके द्वारा बोला गया था कि वो डेवलपिंग कंट्री को देंगे, वो तो आज तक पैसा इनके द्वारा दिया नहीं गया। कसम खाते रहते हैं कि कसम खाओ 2070 तक आप लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाओगे, पर कसम तो हम लोग खा लेंगे, पैसा तो दे पहले, पैसा नहीं देगा तो हमारी कसम कैसे काम होगी, हम तुम तो बोल के चले जाओगे, पता चला कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गया वो फिर बोल देगा मैं तो नहीं देने का पैसा, फिर क्या करोगे, तो अभी तो मुद्दा है ना, तो हम लोगों को तो सोचना पड़ेगा भाई साहब आगे, तो आप लोगों ने हमसे कसम तो खा ली, हम तो अपनी कसम खा लेते हैं, हम तो फिर कसम से पीछे हटते नहीं, पर लेकिन तुम तो हट जाते हो भाई साहब, वो तो देखो तो नीड क्या है। तो एक कलेक्टिव प्रोसीजर होना चाहिए जो कि यूएनएफसीसी के थ्रू यहां पर डिसीजन लिया जाए और सारे मेंबर मिलकर यहां पर काम करें, तो ये प्रॉमिस करना चाहिए कि मेंबर कंट्री जो है वो एक तरीके से मिलकर काम करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी के ऊपर पड़ जाएंगे जाकर यूएनएफसीसी को छोड़कर। तो इसके अंदर 190 मेंबर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफी प्यारा, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो मुझे लगा पर्सनली कि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अभी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की। अरे हाँ भूल जाता हूँ यार, एक बच्चा बोलता सर याद दिला दिया करो। अच्छा हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये बताओ कि कितने जो बेसिकली अगर वीडियो पर नॉर्मली जो होने चाहिए वो लाइक्स होने चाहिए कि जिससे वीडियो के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो यार, नॉर्मली ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं है, पर लेकिन अगर जैसे वीडियो पर जो व्यूज है ना, जितने व्यूज हैं उसके कम से कम 1/4 जो है उसके ऊपर लाइक अगर रहेंगे तो इससे मुझे लगता है कि इंपैक्ट जो है वो काफी कम पड़ेगा। यानी कि अगर जैसे कि नैनो मैगजीन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर 20,000 लोग उसको देख रहे हैं तो कम से कम 5,000 वहां पर उसको अगर लाइक सपोर्ट कर दोगे आप लोग तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना बंद हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 40,000 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 10,000 लोग जो है वो उसको 10,000 तक आप लोग अगर लाइक को पहुंचा दो तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ने बंद हो जाएंगे। आप अभी फिलहाल क्या है, 7 तक आप लोग पहुंचा दे रहे हो जो कि काफी अच्छा लगा मुझे, और वो दूसरे वाली जो नैनो आते हैं वो लगभग 5 तक, लगभग 5.5 तक पहुंच जा रहा है। तो इनको अगर इस तरीके से आप लोग करते रहोगे, मतलब ये क्राइटेरिया आप लोग रख सकते हैं कि जितने व्यूज होते हैं, क्योंकि जितने व्यूज होंगे वो रिपोर्ट भी करेंगे कंटेंट को, तो वो उनका काम है रिपोर्ट करने का जो रिपोर्ट करने वाले हैं, तो यूट्यूब उसको वीडियो को इसलिए सप्रेस कर देता है क्योंकि रिपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और रिपोर्ट करने वालों को ये लगता है कि यहाँ पर ये इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों इस लेवल पर प्रोवाइड करा है, क्योंकि ये कॉन्टेंट जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ ना, ये आप लोग को पेड में मिलेगा बहुत शानदार तरीके से जब आप लोग पे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए लोगों को चिंता होती है कि फ्री में इतना अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसलिए वो उसको रिपोर्ट करते हैं। तो आप लोग क्राइटेरिया रख लो कि जितने व्यूज जाते हैं उसके लगभग आप लोग याद रखो कि 1/4 तक कम से कम लाइक मिनिमम होने चाहिए, इससे यूट्यूब को लगेगा कि हाँ वीडियो अच्छी है, कम से कम 1/4 लोग इसको लाइक कर रहे हैं। और यूट्यूब को पता ही तीन चीजों से चलता है, आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे, इन तीन चीजों से पता चलता है यूट्यूब को कि ये वीडियो कैसी है और उसी के हिसाब से वो फिर काम करता है, ठीक है। वरना फिर कंटेंट को ब्लॉक करना, आप लोगों के जो मैसेज होते हैं उनको डिलीट कर देना और आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन ना आना, ये सारी हरकतें फिर होने लगती हैं चैनल के साथ में जब ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट होता है चैनल, ठीक है। तो ये मुद्दे थे जो मुझे आप लोगों को बताने थे, इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करके चलिएगा कि लगभग आप लोग 5,000 से ऊपर नैनो के ऊपर और लगभग 10,000 के करीब हिंदू के ऊपर, तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये क्राइटेरिया आप लोग अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जो मुद्दा है यहाँ पर, ये है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का। देखिए हमारे देश में काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है और एक बार तो प्रोटेस्ट जो है वो इतना खतरनाक हो गया जिसने पूरी जो इंडिया की है बेइज्जती कर दी इंटरनेशनल लेवल पर, जब बहुत सारी महिलाएं जो है नॉर्थ ईस्ट में वो बिल्कुल कपड़े उतार कर आगे खड़ी हो गई आकर ऐसे कपड़ा लेकर, और उनके द्वारा ये बोला गया कि इंडियन आर्मी जो है वो रेप कर रही है यहाँ पर एक तरीके से, रेपस, क्योंकि उनके द्वारा एक तरीके से इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि हमारे जो घर के लोग, हमारे जो घर वाले मर रहे हैं तो इंडियन आर्मी यहां पर ही करी। तो ये प्रोटेस्ट करने का तरीका जो सामने निकल कर आया तो हमारे जैसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बड़ी बात थी और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी इसको कवर किया गया, जो कि काफी बड़ा इशू बन गया था नॉर्थ ईस्ट में। प्रोटेस्ट चल रहा है अभी क्या कि AFSPA को यहां पे रिपील करो, इसको हटाओ। तो ये आप लोग करना चाहिए, तो रिग्रेट नहीं करना है, रिग्रेट नहीं चाहिए हमें आपका कि हाँ गलती हो गई हमसे, तो यहाँ पर आर्मी के द्वारा कई सारे लोगों की जान चलेगी। तो बोल रहे हैं कि वो आप लोग जो रिग्रेट कर रहे हो रिग्रेट नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए कि इसको रिपील करो क्योंकि इसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये इसका मिसयूज हो रहा है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है जरूर याद रखिएगा, इनका नाम है आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, मणिपुर की आयरन लेडी बोला जाता है, नाम है इनका इरोम शर्मिला, ठीक है। इरोम शर्मिला जो है ये काफी लंबे समय तक इनके द्वारा जो है भूख हड़ताल यहां पर चलाएगी जिसके चलते ये AFSPA के खिलाफ यहां पर लड़ रही थी। तो खाना इनके द्वारा बंद कर दिया गया, जो भी खाना इनके बॉडी के अंदर जा रहा था वो इनकी नाक के थ्रू जा रहा था। सोच सकते हैं कि इनके द्वारा
कईयों सालों तक, 15-20 सालों तक यहाँ पर ये कंटिन्यूअस चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, तो ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रखेगा, किस लिए जानी जाती है, हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल की थी, उसके लिए जानी जाती है। अब मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फिर से मुद्दा न्यूज में है, तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूज में रही थी पर्सनैलिटी भी, तो आप लोगों से किताबों के बारे में पूछा जा सकता है इनकी, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस ऑफ पीस इनकी किताब है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है इरोम टू जर्नीज, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगी, मतलब ये भूख हड़ताल करके आधी जिंदगी निकाल दी, तो वो काफी बड़ा मुद्दा होता है। अब दूसरी जर्नी आप लोगों को देखने को मिल रही है, वेयर द एबनॉर्मल इज नॉर्मल, एक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मुद्दा, कि जब एबनॉर्मल कंडीशन इतनी है कि लोगों की जान जा रही है और लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं उसको, बेसिकली जो गवर्नमेंट है कि उसको एक नॉर्मल मान रहे हैं कि हाँ ये तो जानी ही जानी है लोगों की जान, तो एक ये किताब इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये भी है कि देखिए आर्म फोर स्पेशल पावर एक्ट को जो स्पेशल पावर दी गई ना, वो सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के लिए ये देना जरूरी भी था, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर कंडीशन कुछ देश की इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है। कहीं कुछ है, सिक्योरिटी काफी ज्यादा थ्रेट है, ऊपर से पाकिस्तान की साइड से और चाइना की साइड से हरकते बॉर्डर एरिया में, तो काफी दिक्कतें देखने को मिली। तो जरूरी हो गया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जैसा एक्ट लाना, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल रखा जा सके। पर यह जरूरी है, मैंने आप लोगों को बताया, इसके बिना काम चलना थोड़ा टफ हो जाता। पर लेकिन हमको यह भी देखना पड़ेगा कि इसका गलत इस्तेमाल न हो जाए, कि जिस तरीके से कई बार क्या होता है, आनन फानन में जो यहां पर आर्मी को गलत इंफॉर्मेशन दी गई उसके चलते वहां पर फायरिंग हो गई और कई सारे बेगुनाह लोगों की जान चली गई, तो वो भी गलत है ना। तो वो भी गलत है और ये भी गलत है कि यहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दे और उसकी वजह से यहां पर जो इंसर्जेंसी की वजह से नहीं जान जाने लगे लोगों की, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये होना तो चाहिए, पर लेकिन इसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये भी कई बार बोला जाता है, ठीक है। तो मुद्दा वाला पाथ फॉलो करना चाहिए, इसको मिड पाथ आप लोग बोलते हैं। और देखिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो यहां पर ये है, जो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ये माना जाता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में हमारी आर्मी बेसिकली अपने लोकल लोगों के साथ में डील करती है, जबकि ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि आर्मी जो है वो कभी भी इसका सॉल्यूशन होती नहीं है। आर्मी हमेशा बाहर के लोगों के साथ में लड़ने के लिए होती है, ना कि घर के लोगों के साथ में लड़ने के लिए होती है। आर्मी बॉर्डर के लिए होती है, ना कि इंटरनल चीजों को देखने के लिए होती है। इसलिए हमारे देश में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स बनाई जाती है कि वो इंटरनल मुद्दे को देखेगी, ना कि आर्मी इंटरनल मुद्दे को देखेगी। आर्मी हमेशा एक्सटर्नल मुद्दे को देखने के लिए तैयार की जाती है। तो पैरामिलिट्री फोर्स में जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, इसी के साथ में जो सीआईएसएफ वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये इसके अंदर आती है। अब आप लोगों को याद है बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी थी, बॉर्डर मूवी में क्या दिखाया गया, बॉर्डर मूवी में बीएसएफ का जवान रहता है सुनील शेट्टी। तो सुनील शेट्टी क्या करते हैं, वहां पर बॉर्डर की रक्षा करते रहता है। पर लेकिन जैसे ही सनी देओल जो है अपनी बटालियन को लेकर आता है, तो यहां पर तैसे ही यहां पर क्या होता है, सुनील शेट्टी को पीछे हटने के लिए बोल दिया जाता है अपनी बटालियन लेके, और यहां पर फिर आर्मी अब यहां पर बॉर्डर पर डील करेगी। यानी कि आउटसाइड एग्रेशन के साथ में कभी भी यहां पर जो है हमारी इंटरनल फोर्स नहीं, बेसिकली आर्मी को डील करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसी पर्पज के लिए आर्मी को ट्रेन किया जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिला। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आर्मी को यूज करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को अपने लोगों के खिलाफ, आप लोग अपने लोगों के खिलाफ आर्मी को यूज करें। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो बोला गया वो ये है कि आज की डेट में कोई भी धरती पर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि जो भी खतरनाक जो चीजें धरती पर देखने को मिलती हैं, वो सारी खतरनाक चीजें जो आप लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं, वो किसकी वजह से आ रही हैं, वो सारी निकल कर आ रही हैं किसकी वजह से, जो एक तरीके से आप लोग समझिएगा जो मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है वो इसकी वजह से, क्योंकि आज की डेट में यहां पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल मुद्दे देखने को मिलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को क्या लगता है, ये मुद्दा फोर्स सुलझ जाएंगे आपस में लड़ लड़कर? कभी भी नहीं सुलझाएंगे, आज तक नहीं सुलझा। जब तक दोनों कंट्री के पॉलिटिशियन बैठकर बातें नहीं करेंगे, शांति नहीं बनाएंगे, तब तक हो ही नहीं सकता ये। तो ये फाइनल सॉल्यूशन जो है इंसर्जेंसी का या फिर टेररिज्म का, वो मिलिट्री नेचर कभी हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल होगा। तो उनको लेकर आप लोगों को बातें करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, लोगों के फंडामेंटल राइट के हनन होते हैं, और सिक्योरिटी और टेररिज्म जो है बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया में, तो ये आप लोगों का डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। आजादी से पहले क्या करते थे, अंग्रेजों ने हरकतें की थी आप लोगों को पता है, यहां पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाया गया और ये यूज भी किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर 1942 में, आप लोगों को पता है जब गांधी जी के द्वारा यहां पर अगस्त क्रांति स्टार्ट की गई थी, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट और आप लोग अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। तो कई सारे लीडर, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वीबी वल्लभ भाई पटेल जी, तो इनको सबको बिहाइंड द बार, यानी कि जो सलाखों के पीछे डाला गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाया गया ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये 1942 में। जो वायसराय थे वो कौन थे यहां पर, ये थे लिंगलिथगो, तो इनके द्वारा यहां पर ये बेसिकली लेकर आया गया। और ये जो है ऑर्डिनेंस जो यहां पर एक तरीके से आर्म फोर्स को एक तरीके से लाइसेंस दे दी थी, किलिंग, एक तरीके से लाइसेंस टू किल, यानी कि उनको पावर दे दी।
फिर जब ये चीजें हमारा देश आजाद हो गया तो लगा यार ऐसा कुछ देश के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है, बंगाल आसाम ईस्ट बंगाल वो सारी चीजें नहीं, एक तरीके से ये मुद्दे जब सामने आने लगे तो कैसे डील करने है? तो हमारी कंट्री में फिर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी लेकर आ गए। तो ये 1958 में पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास करके लाया गया, अलग अलग राज्य अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर और यहां यहां पर इनको इंप्लीमेंट किया गया। पर लेकिन मुद्दा यहां पर ये है कि इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान जाती है और जो पावर यहां पर दे रखी है उसके चलते काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में भी ये रहता है। जैसा मैंने बताया था ना, पावर काफी एक इस तरीके की दे रखी है कि कहीं पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं, इनके हाथ में पावर रहती है, ठीक है, किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह ये सारी चीजें सीज कर सकते हैं, इनके हाथ में पावर रहती है। और अगर कल को जैसे आर्मी के द्वारा यहां पर कई सारे लोगों की जैसे जान चली गई गलती से, अब उसमें अगर आर्मी के जो पर्सन है उनके खिलाफ कोई भी अगर इंक्वायरी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ही होगी, वरना कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो ये बातें यहां पर बोली जाती है। तो इसलिए यहां पर ये कंट्रोवर्सी में रहता है कि पावर भी दे दी है मारने की और उनके खिलाफ इंक्वायरी भी नहीं हो रही है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसके चलते कई सारी कमेटी और कमीशन आए, इसमें से बीपी जीवन रेड्डी जो है ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था, बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसने बोला था नॉर्थ ईस्ट में 2005 में क्या क्या चीजें चल रही है उसको एनालाइज करना। और वीरप्पा मोली रिपोर्ट थी यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सेकंड की, उसने भी बोला कि इसको रिपील कर देना चाहिए, ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चाहे नेशनल लेवल पर हम लोग बात करें ह्यूमन राइट का हनन करता है ये। जस्टिस वर्मा कमेटी और इसी के साथ में जस्टिस हेगडे कमीशन जो देखने को मिला, उसने यहां तक बोल दिया कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो भी यहां पर गलत तरीके से जो चीजें हो रही हैं उसको आप लोगों इन्हें एक तरीके से आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने एक तरीके से इम्प्यूनिटी एक तरीके से प्रोवाइड करा रखी है। सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है यहां पर, वो कुछ भी कर रही है पर लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन किया जा सके अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो कम से कम ये आप लोगों को करना चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, जो ये एक्ट था उसके खिलाफ जाकर यहां पर जज ने ये बात बोल दी, जो कि बड़ी बात थी, वरना ये बोलने वाली बात नहीं इस तरीके से। तो यहां पर ये बात बोल दी कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तो एक तरीके से एक्ट के खिलाफ बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो हेगडे कमीशन बनाया गया उसने बोला कि मिसयूज कहीं ना कहीं किया जा रहा है, अब्यूज हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा मणिपुर के अंदर, तो ये भी मुद्दा यहां पर निकल कर आया। और अगर कोई भी ऐसा मिसयूज होता है तो आप लोगों को पता है, मैंने बताया भी था यहां पर आर्टिकल यहां पर 22 का हनन होगा, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 का हनन होगा, आर्टिकल 20 का हनन होगा। तो इस तरीके से जो आर्म फोर्स है एक तरीके से वो कई लेवल पर अगर ऐसे काम करेंगे तो ये सारे आर्टिकल जो है जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आएंगे। इनके मोटे मोटे तौर पर बोलो तो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर पार्ट 3 में, उसके अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के अंदर जो आर्टिकल है उनमें से आर्टिकल 22 आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 इनका हनन होगा, जो कि आप लोगों को देखने को मिलता है। आर्टिकल 22 बात करता है पावर ऑफ आर्बिट्रेशन अरेस्ट और डिटेंशन, तो किसी को भी आर्बिट्रेरी पकड़ नहीं सकते पर आर्म फोर्स तो पकड़ सकती है, किसी को भी राइट ऑफ लाइफ लिबर्टी से आप लोग एक तरीके से हनन नहीं कर सकते पर यहां पर ये कर सकती है। तो ये गलत तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, तो इतनी पावर देना तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा मुद्दा है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो ये पूरा मुद्दा इसलिए मैंने डिटेल में बताया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पूरा मुद्दा आप लोगों को समझ में आ गया और ये समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसको थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप लोगों को पता है हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि एक मिनिमम एक ऐसा मूल्य होना चाहिए जो किसानों को उनकी जो फसल होती है उसके लिए मिल सके। तो इसके लिए अभी गुहार चल रही है देश में कि इसको लेकर आओ, पर लेकिन क्या हम लोग इसको लेकर आ सकते हैं, क्या ये वैलिड है एक तरीके से, अगर इसके बारे में आप लोगों से पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, तो उसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ये वैलिड है या फिर नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग ये समझिए, उसके पहले आप लोगों को एमएसपी समझना पड़ता है थोड़ा सा, तभी आप लोग मुद्दा समझ पाओगे। एमएसपी जो है वो हमारे देश में कितनी फसल के लिए दिया जाता है, टोटल 23 फसल है हमारे देश में जिसको एमएसपी दिया जाता है, और 23 फसल आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें दालें वगैरह हैं, इसे ऑयल सीड वगैरह ये सारी कमर्शियल क्रॉप है, पेड्डी हो गया, वीट हो गया, बारले, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, रो कॉटन भी हो गया, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जो गन्ना होता है उसके लिए क्या दिया जाता है, उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहता, उसके लिए दूसरा रहता है, उसको बोलते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले तो गन्ने के लिए अलग है और इनके लिए अलग है। ये सारे कहां से निकल कर आते हैं, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो रहता है वो यहां पर बेसिकली रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मानना है या नहीं मानना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एक कनेक्टेड ऑफिसर है जिसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस बोलते हैं, और यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर इससे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, और जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूज में, तो फिर से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। 1965 में यहां पर एग्जिस्टेंस में आया था और एक एडवाइजरी ओडी है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है, ये बोलकर साइड में हट जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को बोलकर हट जाता हूं ना
कि वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना, और आप लोग जो है कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। 40,000 लोग देख रहे हैं उसमें से, और कर कितने रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, इससे ये रहता है कि मेरे तो मैंने बोलना था, बस मैंने बोल दिया। अब आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग थोड़ी ना है कि आप लोग नहीं करोगे तो मैं लेक्चर नहीं देखने दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो आप लोग आराम से लेक्चर एंजॉय कर सकते हैं, जितना देखे जितनी बार देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल है। तो उसमें किसी पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेरी जो ये रिकमेंडेशन है ये वॉलेंट्री है और आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझिएगा इसको, गवर्नमेंट के ऊपर इसकी जो रिकमेंडेशन रहती है वो बाइंडिंग नहीं रहती है। तो ये है, और सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस के अंदर में। ये जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस है ये किसके द्वारा बोला गया था, तो रंगराजन कमेटी है एक, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग होता है। अब आप लोग समझिएगा, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लोगों को यहां पर कम नजर आएगा, वो क्यों वो भी आप लोगों को बता दूं। फेयर एंड रेम्युनरेटरी प्राइस जो है यहां पर, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये जो है यहां पर एक कमिटी जिसको कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, जब ये रिकमेंडेशन देता है कि गन्ने का प्राइस ही होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। रिकमेंडेशन देती, जी हाँ देती, अब हम मानेंगे नहीं मानेंगे वो हमको सोचने दो। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वो यहां पर उसको जब एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गन्ने का प्राइस इतना होना चाहिए, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चला गया, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर जो है वो आज की डेट में भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसीलिए मुद्दा था कि ये जो फार्म बिल जो रिपील किए जा रहे हैं, यही बोला गया था कि स्टेट के मुद्दे के अंदर जाकर कानून बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये यहां पर स्टेट का स्टेट एडवाइस प्लान होता है यहां पर, ठीक है। तो स्टेट एडवाइस प्लान जो रहेगा यहां पर वो हमेशा स्लाइटली हायर रहेगा जो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस रहता है, क्यों, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना बना दिया, पता चला 500 रुपए पर क्विंटल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर 500 रुपए पर क्विंटल हो गया तो आगे से स्टेट गवर्नमेंट ने 100-100 रुपए और लगा दिए इसके ऊपर कि हाँ 100 रुपए हम देंगे, राजस्थान बोल रहे हैं, हरियाणा बोल रहे हैं हम 150 रुपए देंगे एक्स्ट्रा, पंजाब बोल रहे हैं हम 200 रुपए देंगे एक्स्ट्रा। तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट की श्रद्धा के ऊपर रहता है कि वो इसमें ऐड कितना करता है। तो इसलिए हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो ज्यादा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में। सुगर कैन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, और कई सारे प्रोडक्ट और भी निकल कर आते हैं, कई सारी स्कीम चलाई जाती है, फेयर एंड रेजिस्टेंस एंड सुगर, ये सारी चीजें जो हमारे देश में, खासकर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी लाई जा रही है। तो ये मुद्दा अलग है, अब मैं आर्टिकल पे आप लोगों को लेकर चलूंगा, आर्टिकल में क्या बोला गया। आर्टिकल में बेसिकली यहां पर ये बताया कि जो WTO है, जिसको आप लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो जो है आज की डेट में एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कैसे चलना है उसके बारे में WTO बात करेगी, और अगर आज की डेट में आप लोग ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं तो WTO आप लोगों को वो नहीं करने देगी। तो ये यहां पर बोला गया, मतलब कहने का क्या, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। अभी ये बोला गया जो 23 क्रोप मैंने आप लोगों को बताई है, जिन पर आप लोग आज की डेट में बात करें कि हम लोग इन पर क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए हम लोग को यहां पर, तो WTO के जो यहां पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैं जिनको AOA आप लोग बोलते हैं, वो यहां पर आप लोगों को इतना सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर इतना सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल के रूल और रेगुलेशन जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो यहां पर बना रखे हैं उसको आप लोग हनन कर रहे हैं। तो इन डायरेक्ट वे में बोला जाए तो हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बॉडी है WTO का हम पार्ट है, तो हम लोग MSP को एज ए लीगल तौर पर लेकर नहीं आ सकते, ये WTO के जो यहां पर एक तरीके से WTO का जो प्रोविजन है उसके खिलाफ होगा। अब समझेंगे यहां पर तीन बातें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। WTO जो है यहां पर वो अगर किसी को इस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करानी है कि हाँ हम ना जिसे बोलते हैं कि MSP में हम लोगों को पैसे देंगे, किसानों को उनका सामान खरीदेंगे, तो यहां पर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं यहां पर, ये क्या बोलते हैं, तीन कैटेगरी है, तीन कैटेगरी में पहले को बोलेंगे यहां पर बेसिकली ये ग्रीन बॉक्स, ठीक है। तो यहां पर पहला होगा ग्रीन बॉक्स, याद रखिएगा पहले को बोलेंगे ग्रीन बॉक्स, ठीक है। दूसरे को क्या बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे ब्लू बॉक्स, ठीक है, और तीसरे को बोलेंगे अंबर बॉक्स। तो ये जो तीन हैं जिनके नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया, इनके तीन के नाम आप लोगों को याद रहने चाहिए और इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो तीन तरीके की सब्सिडी होती है। तो ये बोलता है कि जो आप लोग यहां पर जो ग्रीन बॉक्स है उसके अंदर आप लोग इनकम सपोर्ट फॉर द फार्मर, ठीक है, दे सकते हैं यहां पर, ठीक है, पर लेकिन आप लोग प्रोडक्शन पर कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इनकम सपोर्ट मतलब फार्मर्स को अलग से आप लोग क्या करो, 5,000-5,000 रुपए दे दो किसानों को कि हाँ किसान जो है अपना खाना पीना खा सके, जिंदगी को एंजॉय कर सके, पर ऐसा नहीं करेंगे आप लोग कि उनका प्रोडक्ट खरीद लेंगे, कि उनका प्रोडक्ट खरीद लेके हम लोग मार्केट में ले जाकर उसको उतारेंगे। तो वो चीज जो है वो आप लोग एक हद तक ही कर सकते हो, और वो कितनी हद है वो हद मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। तो ये इसका जो ग्रीन बॉक्स है वो बोलता था कि सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, पर लेकिन उनके प्रोडक्शन के ऊपर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करानी है, अलग से पैसे आप लोग किसानों को दे सकते हो। ये बात कौन बोलता है, ये बोलता है ग्रीन बॉक्स, ठीक है। बात करते हैं ब्लू बॉक्स की। ब्लू बॉक्स क्या बोलता है,
ब्लू बॉक्स ये बोलता है कि डायरेक्ट पेमेंट अंडर द प्रोडक्शन लिमिटेड है, यानी किसी पर्टिकुलर अगर कोई प्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को देना भी है, पहले में तो प्रोडक्शन के सपोर्ट करने से मना कर दिया, पर लेकिन प्रोडक्शन में अगर सपोर्ट भी आप लोग करना है तो वो लिमिटेड ही करेंगे आप लोग यहां पर, ठीक है। प्रोग्राम रहेगा किसी सर्टेन कंडीशन में कि यार ये खेती में यहां पर टिड्डी लग गई, उसमें दिक्कत हो गई, उसको सपोर्ट कर दो, ठीक है, उस एरिया में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया उसको सपोर्ट कर दो। नॉर्मल कंडीशन में आप लोग सब्सिडी नहीं दोगे इतनी ज्यादा, इससे दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों जाएगी? क्योंकि जब किसानों को सब्सिडी आप लोग दोगे और किसानों का जो माल है वो मान लीजिए किसानों को वो प्रोडक्ट जो है 1 किलो जो है किसानों का प्रोडक्ट जो है उस पर उनके 100 रुपए लग गए किसानों के, ठीक है, तो 100 रुपए में से 50 रुपए जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा दिए। अब किसानों को प्रोडक्ट ओनली 50 रुपए का पड़ा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो किसान है मार्केट में ले जाकर अगर 75 रुपए का भी बेच रहे हैं तो किसानों को 25 रुपए का फायदा हो रहा है यहां पर, क्योंकि उन्होंने ओनली 50 रुपए दिए थे, 50 तो गवर्नमेंट ने दिए तो किसानों को 25 रुपए का फायदा हो गया। पर अगर बाहर से कंट्री से कोई प्रोडक्ट आ रहा है और वहां पर भी सेम ही कंडीशन है और गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा रही है और वहां का माल हमारे देश में लाकर बेचा जाएगा तो उनको 100 रुपए का पड़ा वो माल, और वो 100 रुपए में जब यहां पर बेचेंगे इसको लाकर अगर वो 1 भी रुपया नया कमाए कोई बाहर का देश यहां पर तो भी उनको यहां पर 1 भी रुपया नहीं कमाएगा, तो भी उनका माल जो रहेगा हमारे वाले माल से 25 रुपए महंगा रहेगा, जो कि लोग खरीदेंगे नहीं, तो खरीदेगा कौन? हमारे वाला माल हमेशा खरीदा जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि सब्सिडी इतनी दो ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड चलता है वो एक अच्छे लेवल पर बना रहे, वो डिस्टोर्ट ना हो। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? बिल्कुल समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके रिमाइंड करके देखो, बिल्कुल एक एक शब्द क्लियर बोला गया, ठीक है। तो ये जो है यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करा सकते हो ब्लू बॉक्स के अंदर, तो ये बातें यहां पर इसके अंदर बोली जाती है। यानी कि जो ब्लू बॉक्स है और जो यहां पर ग्रीन बॉक्स है अगर उसके हिसाब से आप लोग बात करेंगे तो वो आप लोगों को ये सब्सिडी प्रोवाइड कराने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो ये ट्रेड डिस्टोर्शन सब्सिडी में आ जाती है। और जिसको ट्रेड डिस्टोर्शन सब्सिडी कहां पर है वो लिमिटेड लग जाती है और वो आती है अंबर बॉक्स के अंदर में। अंबर बॉक्स ये बोलता है अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा तो ये ट्रेड डिस्टोर्शन की कैटेगरी में आ गई है और ये इस कैटेगरी में सब्सिडी आ गई है तो ये अलाउ नहीं करता है, तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई है, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर भी अगर यहां पर आप लोग कुछ करना है तो टोटल जो प्रोडक्शन है उसका ओनली आप लोग 10% जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करा सकते हो, यानी कि टोटल जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है उसका ओनली 10% तक आप लोग सब्सिडी प्रोवाइड करा सकते हो। 10% से ज्यादा हो रहा है तो ट्रेड डिस्टोर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना सारी की सारी बातें? कुछ भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके चलते अभी क्या हो गया, अगर आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं तो अगर हमारी कंट्री में हम लोग 23 क्रॉप्स को जैसे कि मैंने बोला ना अभी मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं तो अगर वो वाला काम हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 10% से ऊपर चले जाते हैं, हम लोग लगभग 13% के करीब यहां पर पहुंच जाते हैं। और 13% के करीब पहुंच गए तो इंटरनेशनल जो रूल और रेगुलेशन है उनका हम लोगों ने हनन कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। फिर आप लोग बोलोगे हमारी कंट्री में तो चल रहा है, फिर काम कैसे चल रहा है? तो देखिए एक तो होता है लॉ को लेकर आना कि प्रॉपर हम लोगों ने स्टैट्यूटरी लॉ बना दिया, पर लेकिन अभी यहां पर हम लोग अगर दे भी रहे हैं तो किस बेसिस पर हम लोग दे पा रहे हैं? तो देखिए हर एक चीज का कोई ना कोई लूप होल होता है, तो हाँ इसके अंदर भी एक लूप होल है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। इस लूप होल को बोलते हैं WTO के अंदर पीस क्लोज। क्या होती है ये पीस क्लोज? वो क्लोज होती है कि अगर आप लोग सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप लोग 10% से भी ऊपर आप लोग जा सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशन रख दी गई है और वो कंडीशन ये है कि वो खाना जो है आप लोग मार्केट में बेचने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं कहीं, वो लोगों को बेसिकली जो भूखे मर रहे हैं उनको आप लोग खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों को राशन प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, यानी कि जिंदा रहने के लिए लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना उसके मैटर में पीस क्लोज है यहां पर, जो कि आप लोग 10% का मुद्दा भी क्रॉस कर सकते हो, ये बात यहां पर बोली गई है। तो उसी पीस क्लोज के तहत हम लोग आज के डेट में अपने देश में जो MSP है यहां पर जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं MSP को प्रोवाइड करा पा रहे हैं, पर लेकिन अगर लो कानून हम लोगों ने बना दिया तो ये तो ऐसा होगा कि परमानेंट गवर्नमेंट को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर तो एक तरीके से यानी एक पेनल्टी सी लग गई कि हाँ चाहे कुछ हो, चाहे किसी भूखा मरे चाहे ना मरे, किसान चाहे कितना भी पैसा कमाते रहे पर लेकिन गवर्नमेंट खरीदेगी अगर लो बना दिया। तो ये WTO के जो यहां पर सब्सिडी के जो बॉक्सेस हैं तीनों बॉक्स में इसका ये हनन करता हुआ नजर आएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर ये सही नहीं होगा। तो ये बातें यहां पर समझाई गई हैं। क्लियर हो गया ना मुद्दा? मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा डिटेल में और आप लोगों को मैं इस टॉपिक को इतने प्यार से इससे फालतू कोई डाउट आप लोगों के माइंड में छोड़ सकता हूं, कोई भी सारी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, सारी बातें अब आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अब WTO क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, सारी स्टेट पीसेस में रिपीट कर दिया और EPFO के अंदर भी पूछा गया, ठीक है। तो नाइजीरिया की नकोजी ओंकोज एवेला, ठीक है, NOI, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये अभी पहली डायरेक्टर जो डायरेक्टर जनरल वुमेन बनी है जिसकी वजह से न्यूज में था, ठीक है। तो याद रखिएगा फर्स्ट वुमेन, तो इसलिए न्यूज में आया था। पिक्चर देखिएगा, मुझे तो नाम देखते हैं कि पिक्चर भी याद आती है, पिक्चर जरूर देखा करो इंसान की, इससे आप लोग उसको लंबे समय तक याद रखने में फायदा मिलेगा, ठीक है। तो नाइजीरिया की है यहां पर ये,
ओरिजिन जो WTO का, इससे पहले GATT था जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट, ये बेसिकली टैरिफ एंड ट्रेड, तो हम लोग इसके भी मेंबर थे 1947 में आया था। फिर इसको आगे चलाया गया, उरुग्वे राउंड लाया गया 1986 का, तो फिर हम लोग ने GATT बना दिया, ये बन गया आगे चल के WTO जो है। यहां पर इसका ऑपरेशन जो है 1 जनवरी यहां पर आप लोगों को देखने को मिला 1995 में, यानी कि पहले जो था वो GATT था, अब आ गया WTO, ये आ गया। एक एग्रीमेंट है जो कि एस्टेब्लिशमेंट करता है WTO का, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मार्केच एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये मार्केच कहां पर है, ये मोरक्को के अंदर है, तो 1994 में ये आया जिससे आगे बढ़ा, यानी कि WTO उरुग्वे राउंड से स्टार्ट किया गया बनाने के लिए, और फिर फाइनल एग्रीमेंट ये हो गया जिससे WTO बन गया। ओके, WTO में प्रॉपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर भी जनरल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, कल को दो कंट्री की लड़ाई हो जाए, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ये करते रहते हैं, और इसी के साथ में गुड काउंसिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल, सर्विस काउंसिल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो WTO के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखेगा, 164 टोटल मेंबर है, 23 ऑब्जर्वर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है यहां पर। तो इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। पहली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ओनली गुड्स में काम करती थी, और अभी यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर ये गुड्स और सर्विस में आप लोगों को काम करती नजर आएगी, ठीक है, ट्रेड इन सर्विस ऑल्सो, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो WTO है, पर लेकिन जो GATT था वो यहां पर ये काम नहीं करता था, GATT, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रख सकते हैं। अभी रिसेंटली सबसे जो इंपॉर्टेंट मेंबर अभी कौन जुड़ा है रिसेंटली इसके अंदर मेंबर, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को बताना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया दिया कि इन्फोर्स करना इंटरनेशनल ट्रेड, नेगोशिएशन कराना, दिक्कत हो गई, लड़ाई हो गई है, बिल्ली की कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं उनको छुटाना, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी करना, डेवलपिंग कंट्री को वो सब चीजें सपोर्ट करना, वो तो सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को एडिटोरियल डिस्कस कर लिए, तो पहले हम लोगों ने क्या बात की, एक एक कर अगर मैं बात करूं तो ये अरुण मिश्रा वाला डिस्कस किया हम लोगों ने डिटेल में, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन भी बोला, अभी आप लोगों से न्यू जेनेसिस वाला पोर्शन डिस्कस करूंगा, UNSC वाला काफी डिटेल में बता दिया, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, कोई भी होगा तो बताना जरूर, उसको फिर क्लियर कर लेंगे। इसी के साथ में फार्मर वाला मैंने बता दिया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट और MSP भी आप लोगों को समझा दिया, तो एक ही टॉपिक के अंदर कई कई टॉपिक हो गए आप लोगों के कवर, इवन WTO का बेसिक भी मैंने सारा आप लोगों को बता दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कहां कहां पर क्या क्या प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारी दिक्कत भी आप लोगों की बिल्कुल क्लियर कर दी और उसका बेसिक भी बता दिया। तो इसलिए कहता हूं कि जो डिस्कशन होता है ना कैसा होता है, दो तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ये इसमें आप लोगों को स्टैटिक प्लस करंट आप लोगों को इसमें कंबाइन आप लोगों को नजर आएगा, तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं रहना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को शायद ओवरव्यू नहीं दिया था आज, तो ओवरव्यू में मैंने ये सारे आर्टिकल आप लोगों के कवर कर लिए, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा आर्टिकल है बेसिकली, इसके बारे में हल्का सा आप लोगों को बताता हूं यहां पर, ये इसमें क्या बात कर रहा है, ये है बेसिकली जर्नलिस्ट के बारे में। COVID-19 के चलते बहुत सारे जो जर्नलिस्ट थे वो यहां पर आज के में अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अलग अलग जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनकी रिपोर्टिंग के बारे में यहां पर बात की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेसिकली इतना है कि जर्नलिज्म को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अब जब यहां पर COVID-19 के चलते कोई मास्क नहीं पहन रहा है, ठीक है, अगर यहां पर कहीं पर कोई मर्डर हो गया तो वहां पर जाकर उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिले, तो इसी के बारे में यहां पर इनके द्वारा ये बातें बताई गई है। और यहां पर ये वाला आर्टिकल है जो वायरस फैल रहा है उसके बारे में बातें की जा रही है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर ही सकते हैं कि ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो उसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से आगे भी करूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहां पर जो न्यूज एजेंसी वाला पार्सन है, सबसे पहले तो 1971 की जो वॉर है इंडिया और बांग्लादेश की, उसको यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला, कल वो सेलिब्रेट की गई, मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि आइडियोलॉजिकल एक तरीके से चेंज कर दिया यहां पर, बांग्लादेश को देखने का तरीका और नजरिया भी चेंज हो गया जैसे यहां पर इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी आ गई बांग्लादेश के अंदर में, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे लोगों को वहां पर बेसिकली ब्रूटली उनकी हत्या की गई, मारा गया जब यहां पर पाकिस्तान ने इसके द्वारा इसके ऊपर अटैक किया, तो ये बातें हैं। जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा बोलेगी हमारी डिफेंस मिनिस्टर, ये बोल रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है। और इंडिया और बांग्लादेश का जो व्यापार है ये बोला गया लगभग 10 बिलियन है। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये सारी चीजें देखने को मिली, पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब यहां पर ये सारे मुद्दे डिस्कस किए गए, इंदिरा गांधी जी को उनके द्वारा इग्नोर कर दिया गया, उनका नाम ही नहीं लिया गया विजय दिवस के नाम पर। तो इसके चलते कांग्रेस जो है वो बोल रही है कि ये गलत बात है, उसके चलते सारे इशू चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटा सा एक और यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो मिश्रा वाला है, वो सारी बातें आप लोगों को पता है अभी, हाँ, जो किसानों के ऊपर वो गड्डी वड्डी चढ़ा दी, वो सारी बातें तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, तो उनको वो सजा वगैरह वो सारी बातें, ठीक है। तो ये आप लोग अब देख सकते हैं, यहां पर एक है मेट्रोमैन श्रीधरन बोल रहे हैं कि वो एक तरीके से पॉलिटिक्स में जो है वो एक्टिव नहीं रहने वाले हैं। उनको पता है केरला के अंदर इलेक्शन में तो उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया पर वो हार गए, पर लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उसको मैं हमेशा अपोज करता रहूंगा। ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस भी किया था, याद रखना, केरला के अंदर जब आप लोग जाओगे, अगर आप लोग मैप में केरला को एक बार देखोगे तो हमारी कंट्री में ये देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट के साइड में, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु को टच करता है। तो यहां पर कनेक्ट करते करते एक ट्रेन लाने की कोशिश की जा रही है,
वेस्टर्न घाट के अंदर में, जो कई सारे एरिया को कनेक्ट करेगी, लगभग 531 किलोमीटर लंबी। तो उसके चलते दिक्कत ये कल कोई अगर आ जाती है तो वेस्टर्न घाट में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इसी के चलते जो ई श्रीधरन है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहां पर है, केरला के अंदर में, बेसिकली जो कोस्टल एरिया को कनेक्ट करने के लिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा मेट्रो के थ्रू, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ओमिक्रॉन जो है वो लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों पर इंपैक्ट डाल रहा है काफी लार्ज स्केल पर, और 70 गुना फास्टर ये बढ़ रहा है डेल्टा के कंपेयर में। पर मुद्दा क्या है कि डेल्टा के कंपेयर में 70 गुना फास्टर ये बढ़ रहा है, पर ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ओमिक्रॉन जो है वो इतना खतरनाक नहीं जितना डेल्टा है, पर लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है बढ़ने की, ये बातें बोली जा रही है, ठीक है। स्टेट को बोला गया कि आप लोग लेबर रूल जो है उनको प्री पब्लिश करो पहले, जैसे कोड लाए गए थे 1900 का, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लाया गया, कोड सोशल सिक्योरिटी लाया गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये सारे लाए गए कि लेबर जो मार्केट है हमारे देश में उसको कैसे लेकर चलना है, तो उसी के बारे में यहां पर बात बताई गई। तो स्टेट को उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दा है। बाकी यहां पर अखिलेश यादव जो है वो अपने चचा के साथ में मिल गए हैं, जिनकी पहले से उनके साथ में लड़ाई हो रही थी। तो आगे जब इलेक्शन आते हैं सब भाई बहन सब एक तरीके से एक पलटे में आकर खड़े हो जाते हैं, उससे पहले लड़ाई दिखाते हैं, पता नहीं कितना बड़ा दुश्मन एक दूसरे के। चले जो भी है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको दो तीन दिन से मैं देख रहा हूं। इसके ऊपर टॉपिक आप लोगों का बेसिकली टॉपिक क्या, बेसिकली किसी ना किसी एडिटोरियल के अंदर या तो आएगा, मैं इसको कवर कर लूंगा, नहीं तो अलग से मैं इसके ऊपर आप लोग कवर कर लूंगा, या फिर ये आते ही रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई ना कोई एडिटोरियल जरूर आना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग के बारे में यहां पर बात की जा रही है, या तो एडिटोरियल आएगा, देख कोई भी मुद्दा अगर मैं इग्नोर कर रहा हूं एनालिसिस के अंदर, तो उसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में उसके ऊपर एडिटोरियल आएगा। और हिंदू जो है सबसे पुराना देश का न्यूज़पेपर है, ठीक है, अगर देखा जाए प्रॉपर इमेज जो डिस्कशन करने लायक ढंग का न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इसमें सबसे पुराना मतलब ऐसे नहीं कि आप लोग अंग्रेजों के टाइम की बात करने लगे, वो मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा हूं, मतलब एक रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है। तो कोई भी आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट होगा वो एडिटोरियल जरूर बनेगा, और एडिटोरियल इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूज एनालिसिस में एक बार को कवर नहीं हो रहा है तो एडिटोरियल में वो जरूर आएगा, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। और मैं भी इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है एडिटोरियल जरूर आएगा, पिछले 5 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो इतना तो पता रहता है, ओके। अभी बात करें तो यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग अमेंडमेंट जो बिल है उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर भी यहां पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा भी हो गया नहीं बनेगा तो मैं उसके ऊपर टेंशन मत लेना, फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मैं उसको कवर करूंगा, ओके। तो टेंशन नहीं लिया करते। तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर अगर इसको लेकर आ जाता है तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा, तो यहां पर गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस कर रही है पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट यहां पर चल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी जो है वो कह रहे हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेकर आएंगे, तो उसके ऊपर प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। जो जज है इलाहाबाद हाईकोर्ट के, जिनका नाम है SN शुक्ला, इनके ऊपर अभी यहां पर चार्ज लगे हैं। तो यहां पर सेक्शन इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का 120B लगा दिया गया, क्योंकि यहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यहां पर इनको संलिप्त पाया गया, गलत तरीके से इनके द्वारा यहां पर फेवर किया गया था मेडिकल कॉलेज का, एक केस इनके पास में आया था, तो एक कॉलेज के सपोर्ट में इनके द्वारा फेवर दिया गया था, तो उसके चलते इनको पकड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, शादी की एज जो है लड़कियों की वो 21 की जा रही है, कैबिनेट के द्वारा यहां पर ये जो मुद्दा है ये लेकर आया गया है। तो ये मुद्दा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया, एक छोटी सी वीडियो है जो कि आप लोग देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, जिसको मैंने प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली ये है वीडियो का थंबनेल भी, जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है, लगभग 20-25 हजार करीब लोग इसको देख चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट किया जाएगा, और इसके ऊपर एडिटोरियल जरूर आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो एडिटोरियल जैसे आएगा फिर हम लोग कवर कर लेंगे, और वैसे पहले भी एडिटोरियल आ चुके हैं, जब यहां पर ये गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा ये बातें बोली गई थी, तो ऐसी बात नहीं है कि अभी है, ठीक है। बाकी यहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना और रशिया के मिलेंगे यहां पर, तो LAC क्राइसिस जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्राइसिस देखने को मिलता है उसमें पहली बार ये मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो मिलने के बाद में फिर यहां पर पार्टी होगी, और पार्टी के बाद में फिर से न्यूज में आएगा, फिर डिस्कस करेंगे। आज का जो सुडोकू है वो आप लोगों के सामने, इसको आप लोग भरिएगा, और कल का सॉल्यूशन ये है, कई सारे बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट करें तो आप लोग भी इसको अटेम्प्ट जरूर किया करो, ठीक है। यूएस की जो फोर्स है, सॉरी यूएस जो है वो फेस कर रहे हैं यहां पर कोरोना वायरस का, खासकर ओमिक्रॉन जो है उसके चलते डबल आप लोगों को यहां पर इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएंगे, तो इसके चलते इनको दवाई भी देना डबल कर देना चाहिए। चाइना के खिलाफ जो है बेसिकली बात की जा रही है, सेंक्शन लगाए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा, क्यों, क्योंकि उघर कम्युनिटी है चाइना के अंदर जिसको काफी हद तक सप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से ये न्यूज में है। बूस्टर डोज भी देने की बात की जा रही है यूरोपियन यूनियन के अंदर, यहां अपने एक एक डोज भी नहीं लिया, दो दो डोज भी नहीं लिया अब तक, यहां बूस्टर की बात चल रही है इनकी, अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया जो है उसके द्वारा हाइड किया गया एग्जीक्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा था तो उसको हाइड किया गया यहां पर। तो यहां पर बेरा गए 7 out of 23 पब्लिक एग्जीक्यूशन जो है वो यहां पर बेसिकली जब यहां पर पब्लिक में आते हैं तो एक तरीके ब्लैंक पॉइंट पर लोगों को गोली मार देना, तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो नॉर्थ कोरिया इतनी खतरनाक कंट्री है जहां ये चीजें नॉर्मल है। सुपर टाइफून जो RAI ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है IR कहां पर, फिलीपींस के अंदर में, तो ये टाइफून के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो फिलीपीन वाले एरिया में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, इधर थोड़ा सा आप लोग आएंगे तो यहां पर आप लोगों को फिलीपीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं एग्जैक्ट।
ये हो गया फिलीपीन, तो जहां पर आप लोगों को टाइफून देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है टाइफून रे, आर ए आई, ठीक है। बाकी बात करें यहां पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जेल में हैं आज की डेट में। तो यहां पर जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है, यहां पर बात याद रखिएगा, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है यहां पर, ये एक बेसिकली प्रस्तुत की जाती है रिपोर्ट यहां पर, तो इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जो रिपोर्टर्स, अगर बात करें यहां पर जो इसके द्वारा जो बातें की गई, तो आज के डेट में कई सारे जो लोग हैं वो पड़े हुए हैं कहां पर, ये बेसिकली जेल के अंदर में। तो जर्नलिस्ट के खिलाफ यहां पर ये हरकतें देखने को मिल रही है। ईरान नो न्यूक्लियर इमेज फॉर, यहां पर ये बोली गई है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि इन चीजों को चेक करती है, ठीक है, IAEA, उसके द्वारा बोला गया कुछ बातें। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, रेगुलर आती रहते हैं, ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई बड़ी चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। FDI डिक्लाइन कर सकती है, मे डिक्लाइन, चलो देखेंगे, करेंगे तो देख लेंगे फिर उसके बारे में, ठीक है। देखिए ये चीजें होती है ना, मैं बेसिकली कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इनको इसलिए भी इग्नोर करता हूं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है ना वो एडिटोरियल पर आता ही आता है, ठीक है, वो कभी एडिटोरियल पर नहीं बचेगा, आप लोग एडिटोरियल जरूर आएगा। तो इसलिए एडिटोरियल अगर देख रहे हैं तो आप लोग एक बार को इनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एडिटोरियल पर जरूर आएगा, वरना डे बाय डे की चीज चल रही है, हजार चीजें होती है दिन में, उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है इन्फ्लेशन के बारे में, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही लिया था वो तो डिटेल में। यहां पर जो विराट कोहली को लेकर मुद्दा चल रहा है, तो अभी देखो क्या होगा, इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई पब्लिक में, तो वो दिक्कत हो गई। रेगुलेशन की जरूरत है IMF के अंदर, यहां पर बेसिकली बोला गया क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो गीता गोपीनाथ जो है, जो कि इनके द्वारा ये बातें बोली गई, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर है यहां पर, ठीक है, तो ये चीफ इकोनॉमिस्ट है, तो इनके द्वारा ये बातें बोली गई जो कि इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया, ठीक है। बाकी यहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहां पर अवतार कोटवाल के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया करो अच्छे से, ठीक है। तो काफी डिटेल में ये मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट और ये सारी चीजें देंगे हैं, तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है। पांच वोकैबुलरी आप लोगों के सामने यहां पर, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। एनोमलस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में प्रोटेक्टेड बात की जा रही है, क्वाड्रुपलेट के बारे में बात की जा रही है, प्रोपिलीन, इसी के साथ में यहां पर ये है इंथ्यूज्ड, ठीक है, यानी कि उत्साहित वगैरह, तो ये पांच है, इसके बारे में आप लोग देखेगा। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने एक बार बता देता हूं। यह है बेसिकली इसका आंसर क्या है यहां पर, यह है ए, यानी कि पुंची कमीशन। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों, जो हमारी शाम को वीडियो आती है उसके अंदर में, तो पुंची कमीशन के द्वारा बोला गया कि इंपीचमेंट करो गवर्नर का भी, जैसे आप लोग प्रेसिडेंट का करते हो, तो ये बातें बोलेगी, और बाकी तो सारी पता ही है। अलग अलग टाइम पे गवर्नर को किस तरीके से लेकर चलना है, उसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई है। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया, कुछ भी डाउट हो तो बताना, आगे क्लियर कर जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।